हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर किचन। और मैं हूं सुमित। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक ऐसा शरबत जो कि आप नवरात्रि के टाइम पे एज अ स्नैक ले सकते हैं। ये आपको हाइड्रेट भी रखेगा, आपके अंदर में न्यूट्रिशन लेवल को भी अच्छा रखेगा। और हम इसी के साथ में एक स्नैक्स भी बनाएंगे जो कि मखाना एंड पीनट से बनेगा। ये भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में, टेस्टी लगेगा। जो लोग सोचते हैं कि हम स्नैक्स नहीं खा सकते हैं इस टाइम पर, नवरात्रि वाले व्रत वाले टाइम पे, तो उन लोगों के लिए है ये। आराम से आप इसे बना सकते हैं, सेंधा नमक से बना हुआ है हर चीज़। और इसी वीडियो में मैं आपको एक जूसर से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये है हमारे पास में जो ये जूसर है, ये गाइस सिट्रस जो भी फ्रूट होते हैं ना, मौसमी हो गई, अनार भी आ सकता है इसके अंदर में, और संतरा भी आ सकता है। इन सभी चीज़ों का जूस निकालने के लिए ये वाला जूसर है जिसको आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लेनी है, नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम की भी ले सकते हैं। स्टील वाली में थोड़ा सा चिपक जाता है कई बार, वैसे जनरली नहीं चिपकता है। एक चम्मच हमने इसके अंदर में घी डालना है, देसी घी है ये। इसके अंदर में 2 कप मैं मखाना डालूँगा, आप चाहे तो 2.5-3 कप भी डाल सकते हैं। अब इस मखाना को हमने लो से मीडियम फ्लेम के अंदर में भूनना है। बड़े आराम से हो जाएगा ये, 3 से 4 मिनट अगर आप करेंगे ऐसे ही, बस आपने चलाते रहना। अगर छोड़ देंगे तो ये ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे किसी जगह से गोल्डन ही रह जाएंगे। तो फिर इससे बेटर है कि हम इसे चलाते ही रहें लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर में। जब आप इसे 3 से 4 मिनट चला लेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, एक पीस ऐसे हमने दबाया, बिल्कुल ही चूर हो रहा है, मतलब अब ये बन चुके हैं। ठीक है, ये बनने से पहले सौगी होते हैं। अब अपनी गैस की फ्लेम को हमने बंद किया है और अपने मखाना को अब हमने निकाल लेना है एक किसी भी बर्तन में। फिर से वही वाली सेम कढ़ाई मैंने ली है, आप देख सकते हैं इसके अंदर से घी पूरा सूख चुका है। लो फ्लेम पर ही अभी हमने रखना है। घी इसके अंदर में डालना है 1 चम्मच। आप इस वाले टाइम पे 1 से 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं घी, आपके ऊपर में है। एक पीस ग्रीन चिल्ली का इसके अंदर मैं डालता हूँ, फाइन चॉप की हुई है ग्रीन चिल्ली। थोड़ा सा इसका कलर हमने चेंज होने देना है ग्रीन चिल्ली का। अब आप फास्ट मोड में देखेंगे, ये देखिए। अब इसके अंदर में हमने पीनट डाल देने हैं, पीनट लगभग 1/4 कप, 1/4 कप से लेके 1/2 कप के बीच में आप ले सकते हैं। और इस पीनट को भी अब हमने अच्छे से जी सौते करना है लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर में 3 से 4 मिनट के लिए। अब फास्ट मोड में देखेंगे, पीनट में से ऐसी आवाजें जब निकलने लग जाए टिक 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 टिक, तो मतलब अब ये पीनट हमारी बन रही है। दैट्स इट, हमारी पीनट बन चुकी है। इसका कलर भी थोड़ा सा रेडिश हो चुका है। अपनी गैस की फ्लेम को अब हमने बंद करना है। अब इसके अंदर में हमने सेंधा नमक डालना है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर डालना है, और इसे हमने अच्छे से जी मिक्स कर देना है। ध्यान रहे गैस की फ्लेम अब बंद है। इसके अंदर में अब हम अपने मखाना को डाल देते हैं जो हमने पहले से ही फ्राई कर रखे हैं। अब इसे हमने अच्छे से बस मिक्स करना है। मिक्स इस तरह से करना है कि ब्लैक पेपर, सॉल्ट हर जगह पर लग जाए मखाना के ऊपर में भी, क्योंकि इसके अंदर में घी है तो वो अच्छे से कोटिंग कर देगा अपनी। मिक्सिंग करने के बाद में हमारा जो स्नैक्स है वो अभी गर्म है। पीनट्स अक्सर जब गर्म होती हैं तो सौगी होती हैं, ठंडी होकर ये क्रिस्पी बनती हैं। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। एक बार इसे मिक्स कर सकते हैं, वैसे हमने पैन में ही बड़े अच्छे से मिक्स इसे कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम अपना शरबत बनाएंगे। सबसे पहले मौसमी को काट लेते हैं,
सॉरी ऑरेंज को। वैसे आप मौसमी भी इस वाले प्रोसेस में ले सकते हैं, मौसमी का टेस्ट अलग ही आएगा। ऑरेंज मैंने लिया, और ये जो जूसर है ये बड़ा ही अच्छा होता है, सिट्रस जूसर इसे बोलते हैं। मेटल का बना होता है, हैवी होता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसका हमने जी जूस निकाल देना है, बड़े ही आराम से इसका जूस निकल जाता है, ये देखिए। अभी मैं आपको इसका छिलका भी दिखाऊंगा पूरा। इसमें हमें ना छिलका नहीं निकालने की ज़रूरत पड़ती, बस यही है इसका फ़ायदा। और जूस भी अच्छे से सारा निकल ही जाता है, कुछ ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती है। ये देखिए कहाँ है कोई जूस, कुछ भी नहीं है। अब ये जूस को अब हमने लेना है, अब हम इससे शरबत अपना बनाएंगे। जूस को एक ग्लास में डाल देते हैं, हाफ लेमन का जूस भी इसके अंदर में हमने डालना है। ये काइंड ऑफ नींबू पानी बन रहा है, लेकिन इसके अंदर में एक फ्यूजन है। इसका पाउडर शुगर जाएगी 1 टेबल स्पून, बाकी डिपेंड करता है कि आपका जूस कितना खट्टा है। क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर में जाएगा सेंधा नमक, क्वार्टर टी स्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर, ठंडा ठंडा पानी इसके अंदर में जाएगा, और इसे हमने मिक्स कर देना है। दैट्स इट, ये रेडी हो जाएगा। ये शरबत बनाना बड़ा ही आसान है, आप इसे पी सकते हैं, फलाहारी शरबत है ये। नवरात्रि में यही सब चीज़ें आपने पीनी है, खानी है स्नैक्स के तौर पे, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। गाइस जूस हमारा अच्छा बना है, जूस नहीं शरबत, आप इसे पी सकते हैं अपनी नवरात्रि वाले टाइम पे, या बिना नवरात्रि के भी आप इसे बना सकते हैं। इसका फ्लेवर आपको अलग ही लेवल का आपको आएगा, नॉर्मल नींबू पानी से काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट आएगा। और ये जो स्नैक्स है ये नॉर्मली मखाना से बनाया जाता है, लेकिन इसके अंदर मैंने पीनट्स भी ऐड की हैं, तो इसका फ्लेवर भी और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, इसका फ्लेवर भी आपको अच्छा लगेगा। ऐसी आप बना सकते हैं, चैनल पे बने रहें, ऐसी ऐसी न्यू न्यू रेसिपीज़ आती रहेंगी। बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं नवरात्रि के रिलेटेड। अभी हमारे पास में 2 थाली भी आ चुकी है, और ये वाली 3rd वाली रेसिपी है, अभी और भी आती रहेगी। बाय बाय।